सो हेलो ऐसे ऐसे लर्नर्स, वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा दुखद समाचार है ये आपके लिए कि देखियो, बहुत सारे बच्चे हैं ना, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। जिन बच्चों के थोड़े से नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे वो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ नहीं मिलता ना, तो हमेशा ये मत सोचिए कि आपका कुछ खो गया है, ठीक है। ये मानिए कि भगवान ने आपके लिए और भी इससे कुछ अच्छा प्लान कर रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और आप जिस स्कूल में जा रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा स्कूल है। बस आपको क्या करना है, अपनी स्टडी पर फोकस रखना है। जो आज की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो मैंने भी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, काफ़ी मैंने भी कई सारी वीडियोज़ बना दी, बेटा ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, सारा कुछ मैंने सिस्टम देख लिया, बिल्कुल मैंने बात कर ली और चेक भी कर लिया मैंने भाई। यही कंक्लूजन निकला है कि इस बार की वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही, ठीक है। इस बार की वेटिंग लिस्ट कोई भी नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी जिनने कहा था वो सही कहा था, और बाकी देखिए मैं तो सिस्टम से बात करके बता रहा था आपको कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो भाई देखो, वेटिंग लिस्ट तो नहीं आ रही है, हर जगह मैंने भी चेक कर लिया, इस बात का मुझे भी बहुत दुख है। देखिए, काफ़ी बच्चे इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो हम एडमिशन लेंगे, तो बेटा वेटिंग लिस्ट इस बार नहीं आ रही है। तो प्लीज़ नाराज और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपको एक क्या होता है ना, जो फेलियर जो होता है ना, फेलियर से इंसान बहुत ज़्यादा सीखता है। फेलियर इज़ द एक्सपीरियंस यू कैन से, है ना। आप कह सकते हैं कि ये एक आपके लिए एक्सपीरियंस होगा कि आपने एग्ज़ाम फेस किया होगा, किस तरीके का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बस आप क्या कीजिए, देखिए आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी अगर आप अपनी लगन से लगे पड़े हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका 9th में एडमिशन नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, 2 साल और रुक जाइए, 11th में आप एडमिशन ले सकते हैं। फुल तैयारी कीजिए एकदम अच्छे से, वीडियोज़ को देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम था जो कि नहीं क्लियर हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली बार क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।